साकार हुआ और जो आपका रहता है सत्संग कथन पूरा दीदी के द्वारा यहाँ 7 दिन का मैं उस चीज को जो है पूरा मैच कर रहा है समझ लीजिए। तब मेरी इच्छा थी कि 2 बजे अगर 2:30 बजे पधारे होते आप तो आनंद आ जाता। देखिए जो इनके बीच में है जी ठीक है ना वो मुझे पता है जी जी हाँ ये बात जरूर है कि मैं चाह रहा था कि कम से कम लोगों के साथ में उस समय और वाणी से हम लोगों को कुछ और लेकिन तो इतनी एनर्जी के साथ बात करती है। पिछले बार मैंने इनसे स्पीकर में चालू करके अभी मैं बताऊंगा उनको जो कार्यक्रम था कटनी मोड़ का तो उस कार्यक्रम में कहीं ना कहीं आयोजक तो दूसरे थे लेकिन कहते ना कि पॉजिटिविटी का जो मदद करता है तो बड़ा अच्छा चोर भी रात में 2 बजे उठता है, साधक भी रात में 2 बजे उठता है। चोर को डर रहता है और इस बात की कोई गारंटी नहीं कि जिस घर में जा रहा है उस घर में उसको माल मिलेगा, लेकिन साधक यदि सचमुच साधना में है उसकी 100% गारंटी है कि मैं जिस मार्ग में निकला हूँ वो मुझे मिलेगा ही, मेरा परमात्मा मुझे जो है वंचित नहीं करेगा। दोनों ने बराबर सेम टाइम पर उठने का क्रम बनाया लेकिन एक को कुछ भरोसा नहीं है और एक पूरे भरोसे के साथ और तुरंत पा लेता है। चोर को तो देखिए गया, इसके बाद में अभी मार पड़ने का डर, माल मिलेगा नहीं मिलेगा लेकिन मार पड़ने का डर है। लेकिन यदि साधक हमने कुछ सच्ची साधना जिसको अपन अपने सब कुछ सच्ची साधना कहते हैं, सच्ची साधना को तो समझ पाना और अंदर उतारना बड़ा कठिन है, फिर भी अपन को जितना भी जो भी प्रयास कर सके नहीं जाने की योजना थी हमारे बालक की उनका स्वास्थ्य गड़बड़ हुआ तो उसके बाद से फिर पूरा लाइफ में राउंड कर दिया। केरल में रहता
अभी भी गड़बड़ है।